नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे पावन सरोवर के बारे में जानकारी देंगे जहां पर पुत्र अपनी मां के मोक्ष के लिए पूजा अर्चना और कर्म कांड करते हैं। कैलाश मानसरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर, पंपा सरोवर के अलावा बिंदु सरोवर भारत के प्रमुख 5 पावन सरोवर हैं। बिंदु सरोवर के पवित्र सरोवर के रूप में पहचान ऋषि कपिल के पिता कर्दम ऋषि की 10,000 वर्षों की तपस्या का फल है। कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हिंदू धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना हेतु भगवान श्री ब्रह्मा जी की छाया से मानी जाती है। बिंदु सरोवर द्वापर काल में तीर्थ के रूप में पहचाना जाता था, जो आज भी तीर्थ के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। कहाँ स्थित है पावन बिंदु सरोवर? गुजरात के अहमदाबाद से 130 किलोमीटर दूर उत्तर में ऐतिहासिक सिद्धपुर नामक सिद्ध स्थल में पावन बिंदु सरोवर स्थित है। इस स्थल का वर्णन ऋग्वेद की ऋचाओं में भी मिलता है। इतना ही नहीं, इसका उल्लेख रामायण व महाभारत में भी वर्णित है। बिंदु सरोवर को सरस्वती और गंगा के मध्य स्थित बताया गया है। यह देश में केवल एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पुत्र अपनी माता के मोक्ष हेतु कार्तिक माह में आकर पूजा अर्चना और कर्म कांड करते हैं। सरोवर को प्राप्त है मातृ श्राद्ध का दर्जा। बिंदु सरोवर भारत में केवल एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थल है जहां माता के मोक्ष के लिए श्राद्ध किया जाता है, जबकि गया में पितरों का पिंड दान करने की परंपरा है। मां के दूध का कर चुकाने की परंपरा केवल हिंदू धर्म में है, जो किसी अन्य धर्म में नहीं। कपिल मुनि महर्षि कर्दम और माता देवहूति के पुत्र हैं। कपिल मुनि भगवान विष्णु के अवतार हैं। माना जाता है कि कर्दम ऋषि जब तपस्या को चले गए तो माता देवहूति बेहद दुखी हुई। कपिल मुनि ने अपनी माता के सामने सांख्य दर्शन की विवेचना करते हुए उनका ध्यान भगवान विष्णु में केंद्रित किया। बाद में भगवान श्री विष्णु में ध्यान लगाते हुए माता देवहूति की मृत्यु हो गई। इसी सरोवर के तट पर माता की मृत्यु पश्चात कपिल मुनि ने उनकी मोक्ष प्राप्ति हेतु अनुष्ठान किया था। इस प्रकार अपनी माता का श्राद्ध करने वाले कपिल मुनि प्रथम मुनि हुए। इस घटना का उल्लेख भागवत पुराण में है। इसके बाद ही यह स्थान मातृ मोक्ष स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कपिल मुनि ने हिंदू पंचांग के कार्तिक माह में यह अनुष्ठान किया था, अतः हर साल कार्तिक माह में विशाल मेले का आयोजन होता है जहां पुत्र अपनी माता का श्राद्ध करने आते हैं। माना जाता है कि महान ऋषि परशुराम ने भी अपनी माता का श्राद्ध सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के तट पर ही किया था। बिंदु सरोवर के किनारों पर पत्थर के घाट बनाए गए हैं। ऋषि परशुराम का आश्रम भी निकट है। पास ही मोक्ष पीपल है जहां पुत्र अपनी माता के मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में पावन सरोवरों का उल्लेख। भारत में बिंदु मान सरोवर के अलावा कैलाश मान सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर, पंपा सरोवर, कर्नाटक के नंदी हिल्स पर अमृत सरोवर, राजस्थान के बीकानेर में कपिल सरोवर, मथुरा गोवर्धन में कुसुम सरोवर, गुजरात में नल सरोवर, महाराष्ट्र के जिला बुलढाणा में लोनार सरोवर, कृष्ण सरोवर, राम सरोवर, शुद्ध सरोवर का पुराणों में उल्लेख है। तो दोस्तों, ये थी बिंदु सरोवर से जुड़ी जानकारी। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए किसी नए विषय की जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे। जुड़े रहिए चैनल D5 हिंदी के साथ।